फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड 2020। आज मैं लेके आया हूँ आपके साथ 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल एग्ज़ाम 2019, जो अभी मार्च में होना है। तो ये मैं देखिए 10 क्वेश्चन लाया हूँ, 10 के 10 इसके लॉजिक देखिए डिफरेंट होंगे। तो मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग क्वेश्चन देखोगे और फिर पॉज करोगे और ख़ुद से पहले अटेम्प्ट करोगे कि आपसे क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं हर क्वेश्चन के बाद देखिए 5 से 7 सेकंड का पॉज लूँगा, जिसमें आप लोग आराम से पॉज कर सको और एक कॉपी और एक पेन लेके ज़रूर बैठना, जिससे कि आप तुरंत सॉल्व करने का ट्राई करो। ठीक है, चलो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले अपने पास इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। ठीक है, देखिए ये एक सीरीज़ चल रही है, 1 से 6 हो गया, फिर 72 हो गया, फिर 1440 हो गया, फिर 43200 हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्न पूछ रहा है इसमें कौन सा आएगा। ठीक है, तो अब ये आपको फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे देखिए आपको 5 सेकंड का पॉज ले रहा हूँ, जिससे आप आराम से वीडियो रोक सको और ख़ुद से अटेम्प्ट करो। ठीक है, चलो चलो ठीक है, मैं अब बताता हूँ इसका लॉजिक। देखिए आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जब भी ऐसा कोई कंडीशन आती है जहाँ पे सीरीज़ एकदम बहुत ही तेज़ी से फ्लैक्चुएट करती है, जैसे यहाँ पे हो रहा है, देखिए 1 से 6, 6 से 72, फिर 1440, मतलब एकदम से देखो फ्लैक्चुएशन हो रहा है ना, मतलब कि बहुत तेज़ी से सीरीज़ बढ़ रही है, तो आपके तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा श्योर। ठीक है, कहीं मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ तो अच्छा किस चीज़ का मल्टीप्लिकेशन हुआ, फर्स्ट कंडीशन देखो 6 का हुआ है, ठीक है हुआ है। नेक्स्ट कंडीशन बात करूँ तो 6 से 72 मल्टीप्लाइड बाई 12 हुआ है, हुआ है। फिर नेक्स्ट टर्म की मैं बात करूँ तो ये कितना आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 हुआ है। और फिर कहीं नेक्स्ट टर्म की बात करूँ तो ये मल्टीप्लाइड बाई 30 आ गया है, क्योंकि 144 मल्टीप्लाइड बाई 3 432 होता है। ठीक है, एक केवल 0 एक्स्ट्रा लग गया है। तो मैंने जब यहाँ मल्टीप्लिकेशन में चेक किया, 6 से 12 हुआ, 12 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ, गैप कितने का चल रहा है, पहले 6 फिर 8 फिर 10। जब ये सीरीज़ बन रही है 6 8 10, फिर आगे तो 12 होगा, और कहीं 30 में 12 ऐड करेंगे तो 42 आ जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म में अब 42 का मल्टीप्लिकेशन होगा, इतना श्योर हो गया। चलिए 42 से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 4 32 00 मल्टीप्लाइड बाई 42। ठीक है, ये चीज़ अपन को करनी है, बस देख लो इसमें। देखो मैं तो ऐसे ही ऑप्शन आपको बता सकता हूँ कि 00 आना ही है, सबसे पहले इसको तो कैंसिल आउट कर दो, इसको कैंसिल आउट कर दो। अब ये बचा है देखो, ये जब ये इस 4 का और इस 4 का मल्टीप्लिकेशन, 4 4 16 तो आना ही है, तो भाई ये तो 11 दे रखा, ये भी नहीं हो सकता, बस पहला करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी अपन को। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ए सीरीज इज गिवन वन विथ वन टर्म मिसिंग, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द गिवन सीरीज। अब आपको ये खुद से अटेम्प्ट करना है, जल्दी से अटेम्प्ट करो आप लोग। मैं यहाँ पे पॉज लेता हूँ और आप लोग अटेम्प्ट जरूर करो, क्योंकि मैं लास्ट में आपसे स्कोर आपका पूछूंगा कमेंट सेक्शन में। चलिए मैं बताता हूँ इसको, ठीक है, आप लोग ने हो सकता है कर लिया होगा पॉज करके, इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो देखिए एल का क्या होता है सीरीज, मतलब वो कोडिंग क्या होती है, आप लोग को कहीं याद हो 12, ठीक है, फिर के की 11, आई की 9, कहीं मैं यहाँ पे एक साथ कहीं इसको इस तरह अलग से लिखता चला जाता हूँ, 12 11 9, फिर एफ की 6, बी की 2, डब्ल्यू की 23, एंड फिर आगे पूछ रहा है, यही तो है। ठीक है, अब देखिए इस सीरीज में क्या हो रहा है, पहले -1 हुआ, फिर -2 हुआ, -3 हुआ, -4 हुआ। अब ये चीज़ आपको कहीं उस तरह कहीं देख लो ना, सपोज डैट इस तरफ से कहीं सीरीज चल रही है 23 की तरफ से, तो जब 2 आता है मतलब बी आता है, तो उसको 26 तक तो जेड रहता है, फिर 27 को हम लोग ए मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, 28 को बी कंसीडर कर लेते हैं। सपोज डेट यहाँ पे हम कहीं 28 कंसीडर कर लें, तो ये देखिए 5 का गैप नहीं दिख रहा है आपको, है ना, तो ये 5 का गैप हुआ यहाँ पे 5 का, तो नेक्स्ट जो अब गैप आएगा वो 6 का आएगा, 6 का, तो
तो 23 और 6 का गैप है तो 17 आएगा नेक्स्ट टर्न। 17 किसकी कोडिंग होती है? क्यू की। ठीक है, तो क्यू अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया होगा आप लोग के, जिनको भी कोडिंग नहीं याद है प्लीज आप लोग कोडिंग एकदम अच्छे से याद कर लो, कहीं हो सके तो। मैं देखो आपको इजोटी, ये जो शॉर्ट फॉर्म है इसका, इजोटी, EJOTY, इससे आप लोग याद कर सकते हो। आपको भाई इतना याद रखना है, ये 5 का होता है, ये 10 का होता है, ये 15 का होता है, ये 20 का होता है और ये 25 का होता है। तो कोई भी, अब आपको देखो अल्फाबेट तो याद ही होगी, जैसे अब एम आता है तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि JKLM। तो जब J का आपको 10 पता है तो तुरंत आप M का भी निकाल लोगे, +2 करके, +3 करके तो 13 आ जाएगा M का। ठीक है, तो इजोटी इसको आप लोग याद कर सकते हो, E5J10O15T20JY25। ठीक है, तो इससे आप लोग को थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी जिनको अभी तक याद नहीं है ये अल्फाबेटिकल वाली कोडिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फाइंड द ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें ऑड फाइंड करना है अपन को। ठीक है, चलिए जल्दी से आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। मैं केवल 5 सेकंड का पॉज इसलिए ले रहा हूं, मैं उसमें करने के लिए आपसे नहीं बोल रहा हूं कि 5 सेकंड में ये हो जाएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग पॉज कर लो अच्छे से, उसके बाद खुद से अटेम्प्ट करो और जितनी जल्दी जल्दी हो सके उसको करने का ट्राई करो, उसके बाद फिर वीडियो स्टार्ट कर लो। ठीक है, चलो मैं चलो इसको बताता हूँ। इसमें भी देखो सेम वही कॉन्सेप्ट, सबसे पहले इनकी जो अल्फाबेटिकल कोडिंग है तुरंत लिखो, V की 22, Y की 25, T की 20, नेक्स्ट इसी तरह Y 25, B की 2, V की 22, G की 7, J की 10, D की कितनी होती 4, उसके बाद A की मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ 1, D की 4, X की 24। ठीक है, ये होती है। अब कहीं मैं इसमें, अब देखो सबसे पहले देखो तीन चीजें तो कॉमन होंगी क्योंकि उसमें एक ऑड पूछा है, एक ऑड पूछा है मतलब एक अलग होगा, बाकी तीन तो सिमिलर चल रही होंगी। तो इसमें कहीं मैं देखूं, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 + 3 4 हुआ, +3 इसमें भी हुआ, +3 इसमें भी हुआ, और कहीं मैंने अभी आपको पिछले ही क्वेश्चन जस्ट बताया था कि कहीं 26 को कहीं मैं जेड मान रहा हूँ, उसके बाद कहीं ए को मैं फिर से मानना स्टार्ट कर दूँ 27 एंड बी को मानना स्टार्ट कर दूँ 28, तो यहाँ पे भी देखो बी की जगह 28 आ जाएगा, आ जाएगा। तो ये 25 से 28 हुआ, इसमें भी +3 का है, तो ये वाली जो है ना स्टार्टिंग 2 डिजिट वाली, 2 जो कोडिंग चल रही है वो सबकी सेम है, तो इससे हम आइडेंटिफाई अभी तक नहीं कर सकते हैं कि कौन सा डिफरेंट है। ठीक है, तो चलो हम नेक्स्ट उसमें चलते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, ये 4 से आ गया 24, 4 से आ गया 24 मींस कहीं मैं वाई सॉरी डी डी की कोडिंग कहीं उस फॉर्म में लिखूं जिसमें अभी मैंने ये 28 को बी लिखा है, 29 को सी लिखेंगे और 30 डी को लिखेंगे। तो यहाँ पे 30 में लिख सकता हूँ, तो 30 से 24 -6 हुआ है, सॉरी -6 हुआ है, उसके बाद 25 से 20 माइनस का 5 हुआ है, उसके 28 से 22 माइनस का 6 हुआ है, और उसके 10 से और 4 माइनस का 6 हुआ है। तो आपने देखा फर्स्ट कंडीशन में -4 हुआ, थर्ड कंडीशन में -6 हुआ, सॉरी फर्स्ट कंडीशन में -6 हुआ, थर्ड कंडीशन में -6 हुआ एंड फोर्थ कंडीशन -6 हुआ, लेकिन सेकंड कंडीशन जो अपने पास थी ये वाली जो है ये बाई मतलब 22 25 और ये 20, तो इसमें देखिए ये केवल -5 हुआ इस कंडीशन में, है ना। तो कहीं मैं इसमें ये यही वाली कंडीशन तो थी, ये 22 25 एंड 20, इसी में तो -5 केवल हो रहा था, बाकी सब में तो -6 हो रहा है, जे से 10 से डी पे आ रहे थे 4, -6 हो रहा था, डी से एक्स में आ रहे थे, डी का मतलब मान लो 30, एक्स को मान लो 24, तो ये -6 हो रहा था। इसी तरह बी बी को मान लो 28 और V 22, इसमें भी -6 हो रहा था, केवल एक कंडीशन है ए ऑप्शन जिसमें वाई मतलब 25 है और जो टी है 20, इसमें आने में -5 करना पड़ रहा है, बाकी सारी कंडीशन में -6 करना पड़ रहा है, तो इसमें ऑड वन आउट कहीं छाटेंगे तो कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सेलेक्ट दिस सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब इसमें आपको देखना है ऐसा कौन सा सेट है
जो लॉजिक इस सेट में लग रहा है वही आगे किसी एक सेट में लग रहा होगा, सेम लॉजिक। तो आपको ये फाइंड करना है। चलिए जल्दी से आप लोग ट्राई कीजिए। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन प्रेस कर लोगे तो जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो आएगा तुरंत आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। जल्दी से ट्राई कीजिए। चलिए मैं बताता हूँ, जिन भी स्टूडेंट से नहीं हुआ या तो आप लोग कर रहे होंगे, आप लोग कर चुके होंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले अब इसमें कहाँ जाएगा दिमाग, सबसे पहले तो प्लस माइनस में जाता है कि इसमें देखा तो -4 हो रहा है, इसमें देखा 8 हो रहा है। तो एक ये भी लॉजिक हो सकता है कि फर्स्ट में 4 का डिफरेंस है, सेकेंड में 8 का डिफरेंस है। लेकिन जब हम ऑप्शन में आते हैं तो देखते हैं कि इसमें 3 का है, इसमें 5 का है, नहीं बन रहा उस तरह। इसमें 4 का है, इसमें 15 का है, नहीं बन रहा है। इसमें देखते हैं 12 है, इसमें देखते हैं 26 है, नहीं बन रहा है। सिमिलरली इसी तरह यहाँ देखते हैं 6 और 14, यहाँ पे भी नहीं बन रहा है। तो फिर इसमें लॉजिक लग क्या रहा है, सबसे पहले दिमाग में ये आता है। तो इसमें लॉजिक है, कहीं मैं इन लोग को आपस में देखो ऐड कर दूँ, इन लोग को आपस में ऐड किया, इन दोनों डिजिट्स को, नंबर्स को, तो देखिए 36 आ गया। और ये 36 है और इसमें कहीं डिवाइड बाई 3 कर दें तो 12 आ जाएगा। एक अपने पास ये भी तो कंडीशन बन गई है कि जो आउट मोस्ट नंबर्स हैं ब्रैकेट में उनका सम करके डिवाइड बाई 3 कर दिया तो ये 12 आ गया। क्या ये कंडीशन फॉलो हो रही है? देखा मैंने फर्स्ट वाले में देखा तो ये 32 डिवाइड बाई 3 नहीं होगा। अगली कंडीशन देखा 26 प्लस 7 33 डिवाइड बाई 3 11, ये कंडीशन फॉलो हो गई है। लेकिन फिर भी अभी हमको और भी चेक करना है आगे। 10 प्लस 24 34 डिवाइड बाई 3 नहीं आएगा। 26 प्लस 18 44 डिवाइड बाई 3 वो भी नहीं आएगा। तो ये देखिए अपने पास एक लॉजिक मिल गया है जिसमें ये नंबर उसी सेम लॉजिक में मिल रहा है जिसमें ये वाला सेट है। तो इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे अपना राइट आंसर की तरह। ठीक है, ये देखिए बहुत ही डिफरेंट लॉजिक हैं इन सब क्वेश्चंस के, और रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं ये सब क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट इज रिलेटेड टू थर्ड लेटर क्लस्टर इन द सेम वे एज द सेकेंड लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू फर्स्ट लेटर क्लस्टर। मतलब जैसे ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं उसी तरह अब इससे रिलेटेड नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा, आपको ये फाइंड करना है इसमें। ठीक है, जल्दी चलिए ट्राई कीजिए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, आप लोग ट्राई कर चुके होंगे, उम्मीद है कि आप लोग का भी आ गया होगा। आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया तो चलिए मैं बता देता हूँ। तुरंत वही कोडिंग तुरंत दिमाग में आनी चाहिए। पी की कितनी होती है? 16। ठीक है, ओ पी, ओ का मैंने 15 बताया था ईजोटी में, उसके बाद प्लस 1 कर दिया। एच एच का 8 हो गया, के का जे के 11 हो गया, वी वी का 22 हो गया, टी का 20, यूवी 22। ठीक है, उसके बाद आर का क्या होता है? 18 आ गया। ई का 5, इजोटी में स्टार्टिंग ई से होती है, 5 5 आ गया। ओ मैंने बताया था ई जो टी ओ आता है उसमें 15। क्यू क्यू का 17, ओ पी क्यू 17। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या लॉजिक लग रहा है। प्लस 2 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 5, ये लग रहा है लॉजिक। सिमिलर वे में अब आपको उसी तरह इसका इसके साथ लॉजिक बैठा देना है, बस ऑप्शन में टिक कर देना है। चलिए कहीं देखेंगे, एम है, एम का कितना होता है? जे के एल एम 13। प्लस 2 आएगा यहाँ पे, इसके हिसाब जैसे प्लस 2 था उसी तरह यहाँ पे प्लस 2 आएगा, 15 आएगा। 15 हमको आया दिमाग तुरंत आना चाहिए, इजोटी से ओ आता है, ओ एक ही ऑप्शन में ओ हमको दिखा, हमने तुरंत टिक कर दिया, बस हो गया। ज्यादा कुछ है तो लास्ट वाला डिजिट और चेक कर लो, जैसे ये 22 से 17 हुआ था, -5 हुआ था, तो एन का कितना होता है? एम एन 14 होता है, तो -5 कर दिया तो 9 आ जाएगा। और 9 किसका होता है? जे के जस्ट पहले आई आता है, मतलब 10 के जस्ट पहले 9, तो वो कितना है? आई का। तो देखो आई भी इसमें मिल रहा है, मतलब कि तुरंत सी ऑप्शन आपको टिक कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फायर इज कोडेड एज 51896 एंड रीड इज कोडेड एज 415 41518, देन हाउ विल ड्रीम बी कोडेड एज। चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए इसको आप लोग। चलिए मैं देखिए बताता हूं आपको।
देखिए, अब इन सब क्वेश्चंस में सबसे पहले आपका दिमाग उसी सेम लॉजिक में जाना चाहिए कि सबसे पहले अल्फाबेटिकल कोडिंग लिखनी है, ठीक है? F6I9R18E5। क्या हमको यहाँ से कुछ दिखा कि ये जो अपने पास नंबर हैं, क्या इनमें ये नंबर मौजूद हैं? सारे मेरे को दिख रहे हैं। ये देखो, 5 दिख गया, ये 18 दिख गया, ये 9 दिख गया, एंड ये लास्ट में 6 भी दिख गया। तो मैंने क्या देखा कि F का जो नंबर है वो सबसे लास्ट में लिख दिया है, I का है वो सेकंड लास्ट में, R का फिर ये लिख दिया, और ये E का स्टार्टिंग लिख दिया। अब मैं इसी सेम लॉजिक एक में तो हमको कंफर्म हो गया, लेकिन हमको क्योंकि इसमें इन्होंने दो दे रखे हैं, फायर भी और रीड भी, तो देखना है कि रीड में भी सेम यही लॉजिक लग रहा है। बस एक बार क्रॉस चेक करना है आपको तुरंत। जैसे ही मैंने चेक किया तो हमको पता है आर का भी मैंने 18, तो लास्ट में देखो 18 है। ई का 5 लास्ट से सेकंड लास्ट, 5G। ए का 1 1, डी का 4 4 है, तो सेम मतलब यही लॉजिक लग रहा है। तुरंत इसमें भी वही चीज़ अप्लाई कर देंगे। एम का 13 होता है, 13 देखा, तुरंत ये दोनों ऑप्शन काट दिए। उसके बाद ए का 1 1, ई का 5, तो ई का 5 ये है तो 4 वाला काट दो, तुरंत आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द नंबर विच कैन बी प्लेस्ड एट द साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। आपको इस क्वेश्चन में देख के बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। चलिए जल्दी स्ट्राइक कीजिए। सॉरी, और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल में बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, प्लीज आप लोग प्रेस कर लो, जिससे मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए जल्दी से बताइए। चलिए उम्मीद करते हैं आपका हो गया होगा, नहीं हुआ तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें हमने एक तरफ देखे नंबर चल रहे हैं 31 23 21 44, और फिर चल रहा है 16 25 9, और फिर क्वेश्चन मार्क। तुरंत अपने दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए, 9 25 16 को देख के, यार ये तो स्क्वायर होते हैं, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ठीक है? तो अब ये कहीं स्क्वायर आए हैं, तो क्या हमको ये पॉसिबल वैल्यू कहीं से मिल पाएगी, ये जो नंबर्स हैं? क्योंकि इतना तो पता चल गया है कि इस तरफ देखो यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर वाला कंडीशन चल रहा है, लेकिन हमको देखना है क्या यही नंबर हमको कहीं से आइडेंटिफाई हो पाएंगे। तो हमने देखिए 9 के जस्ट सामने देखा 2 और 1 लिखा है, 2 और 1 को कहीं मैंने प्लस किया, 3 मिल गया मेरे को। इसी तरह जब मैंने 16 के सामने देखा 3 1 लिखा है, तो मैंने इसका जब सम किया तो ये भी 4 हो गया, डिजिटल सम 3 प्लस 1। इसी तरह जब मैंने 25 के सामने देखा 3 और 2, मतलब 23 को जब ऐड किया ये 5 हो गया, तो मेरे को लगा यार ये तो यार एकदम बैठ गया यहाँ पे फिट, तो यहाँ 44 है, 4 4 8 हो गया, 8 का स्क्वायर यहाँ पे आना चाहिए, 64। ऑप्शन चेक किया है 64, तुरंत टिक कर दिया। ठीक है, देखो तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था, तो पॉसिबिलिटी है इस बार क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में आने की, तो आपको ये लॉजिक अब पता चल गया है, एटलीस्ट आप अब किसी भी क्वेश्चन में इसको ट्राई कर सकते हो। इसी सेम लॉजिक में क्वेश्चन आए या ना आए वो तो एग्जाम में क्वेश्चंस पे डिपेंड है, लेकिन एटलीस्ट आपने ये लॉजिक जान लिया है, तो इन फ्यूचर कभी भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग इस लॉजिक को जरूर लगाओगे अब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, फाइंड द मिसिंग टर्म। इसमें अब देखिए मिसिंग टर्म आपको फाइंड करना है, मिसिंग टर्म फाइंड कीजिए, और ये लिखा है 33 11 14 27 9 12, क्वेश्चन मार्क 14 17। चलिए जल्दी सॉल्व कीजिए। चलिए चलिए इसको भी चलिए करते हैं जल्दी से। वैसे तो ये लोग आप लोग ने कर लिया होगा, क्योंकि ये थोड़ा इजी है कि आपने देखा यहाँ पे 11 3 9 3 14 3 42, ये तो डायरेक्ट आंसर ही हो गया। ठीक है, लेकिन एक चीज़ थोड़ा याद रखिएगा, जो यहाँ पे लास्ट वाले डिजिट का आप लोग कहोगे रोल नहीं है, कुछ रोल है यहाँ पे, लेकिन डिफरेंस सेम है, इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा है। डिफरेंस कहाँ सेम है कि 11 से 14 के बीच में देखिए 3 का डिफरेंस है, उसी 3 से इसमें मल्टीप्लाई किया गया 11 में, 11 3 33 हो गया। इस तरह 9 और 12 में 3 का गैप है, तो 3 से ही 9 को मल्टीप्लाई किया गया तो 27 मिल गया। उसी तरह सिमिलरली 17 और 14 में 3 का गैप है, तो 14 में 3 का मल्टीप्लीकेशन किया गया तो 42 मिल गया। तो इन सब क्वेश्चंस में आपको याद रखना है कि ये जो गैप है, देखिए यहाँ पे तो सेम दे दिया तीनों कंडीशन में, तो नीचे वाले डिजिट जाए होती ना होती हमको तो तुरंत ऊपर वाला आंसर मिल गया था,
लेकिन ये चीज आपको चेक करना है कि नीचे वाले डिजिट में हो सकता है डिफरेंस अलग अलग भी दिया हो, ठीक है। जब यहाँ पे सपोज डेट यहाँ पे कहीं 22 दिया हो तो नीचे कहीं दे दिया गया होता 13, तो फिर देख रहे हो आप, तो हमको फिर ये जो डिफरेंस है उसका भी बहुत ज़्यादा मतलब यूज होता। तो आपको ये चीज़ हमेशा चेक करनी चाहिए, चेक करके चलनी है। कोई भी डिजिट दी है तो वो ऐसे नहीं दी गई होगी, उसका कहीं ना कहीं यूज़ ज़रूर हो रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म आपको फाइंड करनी है, ये है 7, 10, फिर क्वेश्चन मार्क 72, 219। चलिए जल्दी सॉल्व कीजिए आप लोग। चलिए जिन भी स्टूडेंट्स का हो गया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ अब वो जल्दी से लॉजिक देख लेते हैं। और हमने देखा 7 से 10 पहुंचा, ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 72 है, फिर 219 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर हमने देखा कि देखो बहुत एकदम से नंबर बढ़ा है, ठीक है, पक्का कोई ना कोई मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा। ये चीज़ तुरंत आपके दिमाग में आनी चाहिए, पहली चीज़, ठीक है। अब कहीं मैं देखूँ 72 से 219 कैसे आया होगा, तो 72 में मैंने मल्टीप्लिकेशन कराया तो 7 * 21 होता है, वो तो हमको पता ही है, तो 3 से ही मल्टीप्लिकेशन कराई 216 आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 19 है, मतलब इसमें क्या +3 भी किया गया होगा। ओके, अब इसी तरह हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है 7 से 10 हुआ है, इसमें 7 * 7 + 3 इसमें भी कर दिया गया तो ये 10 आ गया। इट मीन्स मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे कि 7 से मतलब मल्टीप्लीकेशन तो 1 और यहाँ पे 3 से हुआ है, लेकिन साथ में +3 भी चल रहा है, यही तो है ना। तो कहीं मैं यहाँ पे आगे नंबर कहीं कोई सोचूं, ऐसा नंबर सोचूं जिससे ये भी सीरीज चलती रहे जो ये मल्टीप्लीकेशन वाली है, हाँ, और +3 भी होता रहे, तो अपना आंसर मिल जाएगा उसी तरह सिमिलरली। कहीं 10 में कहीं मैं मल्टीप्लीकेशन, जैसे यहाँ पे 1 का हुआ था तो मैं कहीं 2 का करना स्टार्ट करूँ, कहीं 2 का करूँ यहाँ पे, चलो 2 का करता हूँ, 2 का किया तो 20 आ गया, +3 23, सपोज मैंने यहाँ पे 23 ले लिया, ठीक है, ये देखिए 23 है भी ऑप्शन में। चलिए फिर यहाँ पे देखा, फिर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन 3 हो गया, है ना, 69 + 3 72 हो गया। सिमिलरली जब नेक्स्ट टर्म किया तो मल्टीप्लाइड बाई 3 हो गया, +3 हो गया, तो ये 219 हो गया। आई थिंक ये क्वेश्चन कहीं पे रॉन्ग हो गया है मेरे से ही, आई थिंक वो लिखने में रॉन्ग हो गया हो, क्योंकि लास्ट वाला कहीं सीरीज इस तरह चल रहा है तो आई थिंक वहाँ पे मल्टीप्लीकेशन 4 + 3 आना चाहिए था, मतलब यहाँ पे डिजिट आनी चाहिए थी 8 * 7 = 28 + 3। आई थिंक मैंने यहाँ पे डिजिट आगे पीछे लिख दी है, 291 होना चाहिए था, ठीक है। आप लोग भी सुधार लेना इस क्वेश्चन में, इसको 291 कर लेना प्लीज, सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया है, मेरे से लिखने में गलती हो गई है, इसको 219 कर लेना, उसके बाद ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट और अपना ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये है कि सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब ये भी देखिए सेम उसी तरह क्वेश्चन है सेट वाला। ये क्वेश्चन समझ लीजिए हम लोग भी मॉक दे रहे हैं ना, तो ये बहुत परेशान करते हैं। तो इसमें आपको जितने नए नए लॉजिक मिल पाए आप उतने नए नए क्वेश्चन टाइप्स कीजिए, लॉजिक दिमाग में रखिए, तुरंत अप्लाई कीजिए। तो उसी तरह का क्वेश्चन देखिए ये भी है, तो इसमें अब आपको बताना है कि सिमिलरली इस वे में जिसमें ये लॉजिक लगा हुआ है उसी तरह इन चार में किसमें लगा होगा, ठीक है। जल्दी सोचिए आप लोग, ट्राई कीजिए। चलिए मैं ही बताता हूँ, जिनका हो गया बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे से भी पहली बार में ये अटेम्प्ट नहीं हो पाया था, ठीक है, तो मेरे को भी इसका सॉल्यूशन देखना पड़ा था। लेकिन अब मैं आपको बता सकता हूँ सॉल्यूशन देख के ही सही, लेकिन मैं बता सकता हूँ इसमें जो लॉजिक लग रहा था वो देखिए, ये नंबर जो है इसी में इन लोग का जो डिजिटल मल्टीप्लिकेशन है, मतलब 16 + इन लोग के डिजिट में आपस मल्टीप्लिकेशन, ये दिया है इन्होंने नेक्स्ट टर्म, ये देखिए वही दिया है। इसी तरह सिमिलर वे में 22 + 2 * 2 = 26 आ गया, वही टर्म दिया है। अब इसी सेम वे में अब आपको भी चेक करना था कि किस ऑप्शन में सेम इसी तरह चल रहा था, 16 + 6 होगा 20 आएगा, पहला तो ऐसे ही क्रॉस हो गया, नेक्स्ट 27 + 14 आएगा, है ना, 2 * 7 = 14 तो आएगा 41, तो ये भी क्रॉस हो गया, 38 + 2 * 8 = 24, 38 + 24 ये आ गया 62,
ठीक, अभी तक सही चल रहा है। फिर 62 + 6 × 2 मतलब 12, 74, ये अपना ऑप्शन आ गया। ठीक है, आप आगे चाहो तो ये भी चेक कर सकते हो, लेकिन इसमें 24 + 2 × 4 = 8 होगा, तो ये 32 आना चाहिए, यहाँ पे ये क्रॉस हो गया। तो ये देखिए बहुत ही डिफरेंट मेरे को लॉजिक मिला था, जो मैंने सोचा आप लोग से साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि एग्ज़ाम देखिए सबका ही है, अभी आ रहा है एग्ज़ाम मार्च में, तो ये सब लॉजिक आपको पता होना चाहिए, जिससे आप एग्ज़ाम में एटलीस्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने मतलब सीरियसली आज के मेरे 10 के 10 क्वेश्चन को लिया होगा और खुद से अटेम्प्ट किया होगा, तो प्लीज़ आप लोग अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिनको रीजनिंग में इंटरेस्ट हो तो उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपने भी देखे होंगे क्वेश्चन सारे अच्छे थे, कुछ इजी भी थे, मॉडरेट भी थे, डिफिकल्ट भी थे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।